Before proceeding any further, I would like to request Mr. Iqbal Khan first to recite Qira. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन महफिल की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिसने ये मुकाम अता किया, और उसके बाद मैं शुक्र अदा करूँगा अपनी वालदा मरहुमा का जिनकी तरबियत और जिनकी दुआओं से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। मैं फिर इसके बाद मुंतज़मीन का भी शुक्रगुजार हूँ और आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता किया कि आपके सामने अपनी ज़िंदगी के कुछ औराक खोल सकूँ। उन औराक में यकीनन कुछ तलख बातें भी हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ हकीकतें भी हैं। शेर आपसे मैं करूँगा, मैं कोई नासे नहीं हूँ कि मैं आपको नसीहत करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूं कि आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन हाँ मैं अपने तजर्बे जो मैंने वक्त के साथ साथ हासिल किए और किस तरह मैंने अपने आप को इस मुकाम तक लाया, तो ये इसको आपसे शेयर करना बहरहाल मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ।
मैं 6 साल का था जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद का नाम था मोहम्मद आरिफ गिलासफर वाले मरहूम, खासे मतमूल घराने से ताल्लुक रखते थे और बरादरी के जितने भी बड़े हजरात थे, चाहे वो अब्दुल खालिक अब्दुल रजाक साहब हों या इस्माइल नैनीताल वाला साहब हों या उसके अंदर एजाजुद्दीन दवाई वाले हों जिनका फरजंद अब्दुल्ला साहब है, ये सब दोस्त थे। मोहम्मद मेरे लाई साहब, उसके अंदर हाज शफीकुर रहमान साहब, ये सारे पुराने लोग और सब उनके दोस्त थे और सब उनके साथ ही एक बैठक में बैठा करते थे जहाँ पे 3 चीज़ों का शुगल होता था, क्योंकि तकरीबन सबके रिटायर्ड लाइफ थी, औलादें बड़ी हो गई थी, तो सबके रिटायर्ड लाइफ थी। सब ने एक क्लब बना रखा था, उस क्लब के अंदर सारा दिन बैठते थे और उसके अंदर 3 किस्म के गेम होते थे, एक शतरंज, एक लूडो और एक ताश। बहरहाल मेरी उम्र जिस वक्त 6 साल की थी तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो सारी तरबियत का जोर जो था वो वालदा के ऊपर पड़ गया और वहीं से हमारी स्कूल लाइफ भी शुरू हुई। सूरत हाल ये थी कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूरी है बताना कि मेरे वालिद की 2 शादियां थी। पहली शादी जो उनकी हुई थी उनके इंतकाल के बाद, मेरी यानी जो वालिद की पहली बेगम थी उनका जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरी वालदा से निकाह किया था, जिससे 5 बच्चे हुए और उसमें सबसे बड़े भाई, उसके बाद 3 बहनें और फिर मैं आखिर में सबसे छोटा। तब जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर तुर्के में जितनी चीज़ें थी वो सारी, वो चूँकि सारे बालिग थे पहले की औलादें, वो सब तकरीबन उनके नामों पर चली गई और हमारे हिस्से में बहुत ही कम, यानी जो क्योंकि हम बालिग नहीं थे, हमारे नाम पे कोई चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें वाले खरीदते गए उनके नाम पे करते चले गए, तो उनका फैसला ये था कि ये जो चीज़ें जिसके नाम पे हैं वो तो उनकी हैं, बाकी अगर वालिद के नाम पे कोई चीज़ें हैं तो बस वो तुर्का बटेगा। बहरहाल किस्मत में जो था वो हुआ। फिर सितम दरीफी ये हुई कि 12 साल की उम्र को जब पहुँचा तो मेरे बड़े बहनोई साहब का इंतकाल हो गया और मेरी बहन जो थी वो भी 5 बच्चों को लेकर इसी घर में आ गई, तो फिर गुजर बसर का मसला ज़रा पैदा हुआ तो मुझे अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी और मैं फिर उसके बाद नौकरी करने लगा, 80 रुपये महीने की नौकरी। वहाँ से मेरे कैरियर का स्टार्ट हुआ, गाड़ी चलती रही लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे दिन देखे हुए थे जब मैं बच्चा था, तो जिस वक्त भी नौकर चाकर भी थे उस वक्त, तो वालिद किसी भी काम से अगर किसी नौकर को ऊपर भेजते थे तो मैं उसकी गोद में नीचे चला जाता था और फिर उसके बाद कोई मुझे गोद से उतरने नहीं देता था। लेकिन उसके बाद जब वालिद के इंतकाल के बाद मैंने बड़ी महरूमी देखी कि उन्हीं लोगों ने जो लपक कर गोद में उठाया करते थे उन्होंने मुंह मोड़ के जाना शुरू कर दिया, तो उस वजह से दिल बहुत हसास हो गया था। तो अब जो बहन के बच्चे आए तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि भाई ये इनके साथ भी कहीं ऐसा ही कोई सिलसिला ना हो। तो बहुत से लोग तो इस तरह करते हैं कि जबान से बेटा ज़रूर कहते हैं लेकिन अमल से साबित नहीं करते, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने अपने उन भांजों के साथ ये नहीं होने दिया और मैंने कोशिश की कि उनकी तमाम ज़रूरियात को हद्दुल इम्कान पूरी कोशिश करूं और आगे बढ़ाऊं। मैं पार्ट टाइम में और भी काम करता रहा मुख्तलिफ, फिर उसके बाद जब कुछ अरसे बाद मेरे पास पैसे जमा हुए तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं अपना काम करना चाहता हूं। उम्र थी तकरीबन 16 साल, तो वालदा ने कहा कि भाई लगी बंदी आ रही है, खामखाई क्यों, तुम्हें कोई तजर्बा नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बहुत छोटे हो, बच्चे हो, तुम काम नहीं कर सकोगे, जो चल रहा है उसी तरह चलता रहने दो और जो पैसे जमा हो गए हैं वो उसको जमा ही रखो, इसको ज़ाया मत करो। लेकिन मैंने उनसे बड़ी ज़िद की कि नहीं, मेरे में हौसला है इंशाल्लाह अज़ीज़, आप दुआ दें तो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ काम करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा जो भी काम करो और उससे पैसे कमाओ तो पैसे कमाना तुम्हारा हक है, लेकिन वो इज्जत का पैसा होना चाहिए, जिल्लत का नहीं। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि किसी के नुकसान में अपना नफा तलाश मत करना,
और मुझे यकीन है कि अगर तुमने इन दो बातों के ऊपर अमल कर लिया तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम इंशाल्लाह एक दिन उरूज देखोगे। मैंने इन दिन दोनों चीज़ों को अपनी गिरह में बांध लिया और मेरे बहनों ही ने एक रेस्टोरेंट खोला था फिरपो रेस्टोरेंट फिरपो स्नैक बार के नाम से तारिक रोड पर, जो कि बादशाह जफर रोड कहलाता था, अब वो तारिक रोड में शुमार होता है। तो बहुत छोटा सा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड स्पॉट था और उसके अंदर उन्होंने फ्लाइंग ससा वगैरह शुरू किया था। तो मुझे अचानक पता चला कि जी वह सिर्फ 6 महीने में बदल होकर उसे बेच रहे हैं, क्योंकि तारिक रोड आज जो तारिक रोड है वो पहले तारिक रोड ना था। उस जमाने में एक गाड़ी अगर गुजर जाए तो दूसरी गाड़ी को देखने के लिए दूरबीन से देखना पड़ता था कि कहीं दूर तक कोई गाड़ी नजर आ रही है नहीं। आज वही तारिक रोड है जहाँ पे शायद सड़क पार करना मुश्किल हो जाए और आपको घंटों नहीं तो मिनटों जरूर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैंने उनसे बहनों से तस्करा किया, मैंने जब उनसे सुना कि वो बेच रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा ना करें, आप अभी चलाएं इसको, इंशाल्लाह इसके अंदर बरकत होगी। लेकिन वो बहुत बदल हो चुके थे, कहने लगे नहीं मैं छोटे भाई, मुझे प्यार से छोटे भाई कहा करते थे, तो मुझसे कहने लगे कि नहीं छोटे भाई मैं इसको देख चुका, इसमें सिर्फ वक्त का ज़िया होगा और नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे दे दें, जो पैसे आपको दूसरा लगा रहा है उस पैसों में मुझे दे दें आप। उन्होंने कहा भाई मैं तो वो काम नहीं करूंगा, जो काम मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता वो मैं आपके लिए भी अच्छा नहीं समझता। कल को लोग कहेंगे कि भाई अपने आप निकल रहे थे, इनको फंसा के चले गए। तो मेरी वालदा से उन्होंने बात की कि भाई ये इस तरह मुझसे जिद कर रहा है। वालदा ने मुझसे कहा कि भाई जब इनसे नहीं चला तो तुम क्या कर लोगे, ये तो बहुत समझदार मैच्योर आदमी है। मैंने कहा जी मुझे खुदा के साथ से उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं इसको चला लूँगा, मगर मुझे इसके अंदर आपकी दुआएं चाहिए। वालदा ने जब मेरी इज्जत देखी तो फिर बहनों से कहा कि भाई ठीक है जिस तरह ये कह रहा है इस तरह कर लें। वो मेरे पास आ गया। देखिए ये सही है कि अगर मैं सारा वक्त उसके ऊपर ही लगता तो मैं भी वो पैसे गंवा के बैठ जाता, लेकिन मैंने उसको किया ये कि उसके टाइमिंग कम करके मैंने सिर्फ शाम शाम के लिए खोलना शुरू किया और दिन में मैं सप्लाई का काम करने लगा। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत डाली, काम को पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ किया। रात 1-1 बजे तक 1:30 बजे तक मैं उसे खोलता था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर उधर से बढ़ाना शुरू किया और इस तरह बढ़ता चला गया कि वो स्टैक बार से रेस्टोरेंट बन गया। और उसके अंदर मैंने एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, मैंने वहाँ एक दुकान से शुरू किया था, 7 दुकानें मैंने उसके अंदर शामिल की, बराबर बराबर की, और जो जो मांगता था उसको मैं वो पैसे देता था और उसके बाद फिर उसको अपनी दुकान में शामिल कर लेता था। इस तरह जगह बढ़ती गई और यह कारोबार चलता रहा। एक वालदा ने बात और कही थी कि जिसका लुबलबाब यह था कि किसी के नुकसान में अपना नफा तलाश मत करना, बल्कि अपने नफे में हो सके तो दूसरों को शामिल करना। मेरे उस वक्त बात समझ में नहीं आई थी कि इससे क्या मुराद है, लेकिन जो जो काम बढ़ता गया वो मैं स्टाफ को रखता गया, तो फिर मेरी समझ में आई कि यार ये तरीका सही है कि स्टाफ जो है वो जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है तो यकीनन ये लड्डू है जो भूतर भूरा झोड़ता है तो उसमें से सभी खाते हैं। तरह तरह के लोग आते थे, होटल लाइन एक ऐसी है जिसके अंदर सब तरह के लोग आते हैं और बड़ा करीब से उनको पढ़ने का और सीखने का और सुनने का मुशाहिदा होता है। मैं बहुत से लोगों को देखता था कि अभी इसके साथ बैठे थे तो उसकी बुराई कर रहे थे और जब उसके साथ बैठे तो इसकी बुराई कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था कि भाई एक आदमी के साथ आप अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उठ के गया तो उसके बाद मौजू बदल गया और बिल्कुल उसकी बुराइयाँ शुरू हो गई। मुझे इससे अजीब सी कोफ्त होती थी और मैं सोचता था कि आखिर ये दुनिया कब सुधरेगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि 3 किस्म के इंसान, इंसान तो बेशुमार किस्म के हैं, कुछ इंसान होते हुए भी हैवान है, लेकिन मेरे नज़दीक 3 किस्म के इंसान जो हैं वो इंसान है। उसके बाद के दर्जात में मैं फिर इंसान को इंसान नहीं समझता।
मैं समझता हूँ एक तो वो आला तरीन इंसान है जो इंटेलेक्चुअल हो, जिसको अल्लाह ने खुद समझ अता की हो और वह अपनी समझ से अच्छे काम करता हो। उसके बाद दूसरे दर्जे का इंसान वो है जो अच्छे लोगों को देखकर उनसे सीखकर वो अपना लेता हो उन अच्छाइयों को और वो काम करता हो। और तीसरी किस्म इंसान की वो है कि जो किसी के बताने से उस चीज़ को समझ ले और समझ के उसे अपना ले। इसके बाद अगर कोई बताने से भी ना समझे और अपनी रवैया इख्तियार करता रहे, वो गलत सलत काम करता रहे, तो फिर मैं उसको इंसान नहीं समझता, उससे बेहतर वो हैवान है कि जिस हैवान को हजरत इंसान समझाता है, चाहे वो जंगल का चालाक तरीन जानवर बंदर हो या सबसे हैवी वेट हाथी हो, वो उसको एक मिनमिनी सा बच्चा या एक मिनमिनी सी लड़की अपने इशारों पर नचाती है, तो मैं फिर उस हैवान को उस इंसान के ऊपर तरजीह देता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है कि उसको सिखाने की कोशिश की तो वो सीख गया। मैं भी आज जिस मुकाम पर हूँ इसके ऊपर ये नहीं कि मैं कोई उतारा हूँ, अल्लाह के यहाँ से उतारा हुआ कोई उतार था। मैंने भी बहुत कुछ यहीं पर रहकर अपने अतराफ में देखकर सीखा है और कुछ चीज़ें लोगों के बताने से भी सीखी हैं, उस पर कभी बुरा नहीं माना। किसी ने अगर मुझे किसी टोका है तो मैंने उसके ऊपर कभी बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने उसको अपना हमदर्द माना है कि इसने मेरी कमज़ोरी मुझे बताई तो मैं हमेशा उसका मशकूर हुआ हूँ, जिसके बिना पर ये पहिए लगते चले गए, पर लगते चले गए और मैं उड़ता चला गया। सिर्फ ये नाम रखा गया था, मेरे बहनोई साहब ने रखा था, क्योंकि उनका ताल्लुक कलकत्ते से था और कलकत्ते में जिस तरह यहाँ शीजान मशहूर है बेकर्स में और रेस्टोरेंट में, इसी तरह वहाँ कलकत्ते में सिर्फ मशहूर था बेकरी और रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने उस नाम रखा था फिर वो, जिसको मैंने कंटिन्यू किया। ये ना मेरी कोई गोत है ना मेरी पहचान, यह अभी मेरी शिनाख्त बन गई है। और शिनाख्त किस तरह बनी कि यही जमीयत पंजाबी सौदागरा ने दे ली। इसके एक रुकन थे फिरोज भैया। फिरोज भैया का जब इंतकाल हुआ तो वो सीट खाली हो गई। कुछ दोस्तों ने मुझे इसका अहल समझा कि भाई अब इनको इस तरफ आना चाहिए, उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे क्वाप कर लिया और मैं उनकी सीट के ऊपर क्वाप होकर आ गया। मेरा शुरू से जज्बा था कि कुछ बनना है, कुछ करना है। जमीयत पहला प्लेटफॉर्म था जो रिफाई इदारा था और जिसके अंदर मैं शामिल हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 14 इदारे हैं जिनमें मैं कहीं चेयरमैन हूँ तो कहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, कहीं मैं वाइस चेयरमैन हूँ और कहीं पर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कहीं पर जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। लेकिन ये पहला मेरा प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया। मुझे पहले ही साल जिम्मेदारी दी गई नायब खाजिम की, उस वक्त खाजिम थे मोहम्मद नकी छतरेवाला साहब और मैं उनका नायब बना। उनसे मैंने कुछ काम सीखा भी, उनकी शफकत भी मुझे हासिल रही और उसके बाद फिर इस तरह से लोग सारे मुझे मोहब्बतें हासिल हुई। उसमें बहुत पुराने पुराने लोग थे, मुजफ्फर नियाजी साहब थे उसके अंदर, नसीम बटला साहब थे उसके अंदर, अब्दुल खालिक अल्लावाला साहब थे, उस वक्त में सलमान अजीज साहब थे और नामी गिरामी लोग थे सारे। उन सब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और लोगों ने बड़ी मुझे शफकत दी, उसी से मुझे हौसला भी मिला और एक तरफ काम मेरा बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ लेने का कहते मैं समाजी खिदमत में भी अपने आप को रोशनास करा दिया। उसी सिलसिले में जब मुझे नाजिम बनाया गया नजम स्कूल का, तो मुझे नजम स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं जब नजम स्कूल को देखने के लिए गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो स्कूल अल्लाह वाला टाउन के अंदर कुछ दुकानें बनी हुई थी, उन दुकानों में चल रहा था और उसके अंदर शटर उठाएं तो क्लास में जाए, फिर अगर दूसरी क्लास में जाना हो तो फिर दूसरा शटर उठाएं, उसको उठाएं, उससे निकले, फिर दूसरे शटर उठाएं, उसमें जाए, और क्लास के अंदर दरियां बिछी हुई थी
और वो भी इंतहा ज्यादा मैली कुचैली दरिया थी और उसके ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे बैठे हुए जिनके हाल भी अजीब थे। मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या किस तरह का स्कूल है। उन्होंने कहा भाई न फंड्स है हमारे पास और ना हमारे पास यानि क्या कहते हैं वसाइल है, तो जिसके बिना पर असली इसको ऐसे ही यहाँ पर बस्ती में। तो मैंने वहाँ पहला काम ये किया कि उस बस्ती में मैंने कहा कि बस्तियाँ बस्ते बस्ते बस्ती हैं, इंशाल्लाह यहाँ पर मैं एक प्रॉपर स्कूल बनवाता हूँ और वो स्कूल मेरे वालिद माजिद के नाम पर होगा और इंशाल्लाह वो लजीज वो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। तो एक प्रॉपर स्कूल बनाएंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1.5 साल के अरसे के अंदर मैंने वो स्कूल बनवाया, मोहम्मद आरिफ दिलासपुर वाला स्कूल जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और बच्चे उससे मुस्तफीज हो रहे हैं। ये एक जज्बा था क्योंकि देखिए ज़कती पैसा आना तो बहुत आसान होता है लेकिन उस स्कूल में ज़कती पैसा नहीं लगना था, वो पैसा सारा गैर ज़कती था और वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काबिल कर दिया था कि मैंने उसका पूरा बोझ भार उठाया और फिर उसके बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल की शक्ल में ले आया। उन्नीस सौ 71 का दौर आया, ये रेस्टोरेंट जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था तो कुछ ब्रांचें लगाने का इरादा हुआ। तो लंदन में फारूक होटल था, उसके बराबर की एक जगह देखी गई और क्योंकि यहाँ से लोग बहुत उस जमाने में लेके जाते थे फ्रीज करा के खाना वहाँ से होटल से, तो लोगों का इसरार था कि आप वहाँ खोलें। तो मैं भी पूरी तंदही के साथ लग गया और उसके बाद फिर मैंने पहला इरादा वहाँ किया और उसके अंदर जिन साहब की जगह थी वो मुझसे पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अचानक भुट्टा साहब तशरीफ ले आए और आजिर और अजीर की लड़ाई शुरू हो गई और मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ कि यूनियन बन गई। क्योंकि वो जो तेजी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरक्की दी थी तो कुछ शरपसंद लोग ऐसे भी थे स्टाफ में जिन्होंने यूनियन बना ली, वो कच्चे कानों के थे, उन्होंने यूनियन बनाई और यूनियन बनाने के बाद उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा चार्टर्ड ऑफ डिमांड भेज दिया जिसके बिना पर मेरी उम्र भी उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं थी, तजर्बा भी इतना ज़्यादा नहीं था, मैं काफ़ी घबरा गया। लेकिन जब मैं अपने एक करीबी अजीज के पास गया कि भाई ये इस तरह का मसला है, तो उन्होंने एक वकील का मुझे पता बताया कि भाई आप उसके पास चले जाए, वो सारा मसला हल कर देगा। खैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन वो फिर मुझे एक ख्याल आया कि ये इंतहाई मोहताज काम है, इसमें बरकत तो बहुत है, इसमें आमदनी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये एक मोहताज काम है क्योंकि ना मैं रोटी पका सकता हूँ, ना मैं अंदर सालन पका सकता हूँ, ना मैं गाड़ियों पे जाकर सर्विस कर सकता हूँ, तो मुझे तो ये मोहताज काम है और इसके अंदर लेबर का इन्वॉल्वमेंट है। जबकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो उस वक्त इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे और वो मुझसे बहुत बड़ा काम कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि मैंने ये किया गया है कि जितना मैं कमाता चला गया यहीं बढ़ाता चला गया, इसी में लगाता चला गया। तो मुझे वो अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने ये शायद बहुत गलत कर दिया। उसके बाद मेरी तवज्जो जीती बटी और मैंने कहा कि नहीं, अब एक काम ऐसा करना है जिसके अंदर लेबर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो मैंने फिर कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में लोगों से मदद ली, कोई दोस्तों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे बताया समझाया। तो मैं 1975 में पहली मरतबा हांगकांग चाइना और ताइवान के दौरे पर चला गया सिर्फ देखने के लिए। जब वहाँ मुशाहिदा किया, कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों ने हिम्मतें बढ़ाई, तो फिर मैंने काम शुरू किया। आन के यहाँ पर लक्ष्मी बिल्डिंग में एक ऑफिस लिया और वहाँ से मैंने सुहेल इंटरप्राइज का एक इदारा कायम किया, सुहेल मेरे बड़े बेटे का नाम है। तो वहाँ से मैंने सिरपुर से हट के फिर सुहेल इंटरप्राइज कायम की और वहाँ से फिर मैंने ये डायवर्जन की
कि होटल पे तवज्जो कम देनी शुरू की और मैंने इधर अपना काम बढ़ाना शुरू किया। खुदा ने उसमें भी बड़ा, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं किसी काम में नाकामी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि मुझे शुरू में नुकसानात हुए हैं, होटल में भी मुझे नुकसानात हुए हैं, लेकिन मुझे एक ही चीज पर खाली होती थी कि यार मुझे क्यों नुकसान हुआ, सामने जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो मैं उसकी बुनियाद पर डीप में उतरता था, क्योंकि मुझे किसी एक ने नसीहत की, और वो भी मैं बता दूं आपको कि एक पुलिस वाला था, वो पुलिस वाला मेरे यहां रोज बैठा करता था, उनके खाना खाता था और उसका अकाउंट खुला हुआ था। वो बजाहिर तो वो पुलिस वाला था लेकिन वर्दी में कभी नहीं मैंने उसको देखा, वो हमेशा टू पीस सूट या थ्री पीस सूट पहनता था, शलवार कमीज भी नहीं, कोट पैंट, टू पीस सूट या थ्री पीस सूट। वो बिलानागा मेरे पास आता था, आन के खाना खाता था, मंथली उसका अकाउंट खुला हुआ था, वो हर महीने के महीने पर हिसाब करता था कि भाई इतने पैसे हो गए, चलो भाई ये लो। एक रोज मैं खासा रंगीदा था तो उसने मुझे बुलाया कि भाई क्या बात है, तुम बहुत गमगीन नजर आ रहा हो आज। तो मैंने कहा उससे कुछ ऐसी ही बात है यार मेरे दिल बहुत। उसने कहा नहीं तुम यहां बैठो, यहां बैठो मेरे पास, तुम मुझे बताओ। मैं लड़का सा था, उसने मुझसे कहा यार तुम मेरे बेटों की तरह हो, तुम मुझे बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है। तो जो तो दो एक बातें थी छोटी छोटी वो मैंने उसको बताई। उसने कहा शमीम देख मेरी बात सुन, मेरी नसीहत याद रखना कि इंसान के दिल पे कुछ भी गुजर जाए लेकिन तेवर वही होने चाहिए, अंदर आपके कुछ भी हो लेकिन तेवर वही होने चाहिए। और तू घबरा नहीं, जिस नुकसान से तू परेशान हो रहा है ये नुकसान आर्जी है, तू इसके ऊपर जमा रहे, तूने रुपया यहां फेंका है तो यहीं तलाश कर, ये वहां नहीं मिलेगा सामने, ये यहीं तलाश कर, यहां तलाश करेगा तो मिलेगा। मेरी आधी बात समझ में आधी नहीं आई, इन्होंने फिर उससे बजात करने के लिए कहा कि मुझे इसके थोड़ी सी, उसने कहा देखो आज ये तुम काम बंद करोगे कल दूसरा काम शुरू करोगे तो वो जो काम पुराना कर रहे होंगे वो भी तुम्हें इतनी आसानी के साथ पनपने नहीं देंगे, उसमें भी परेशानी आएंगी। जिस काम में तुमने इतना टाइम लगा दिया है और कुछ तजर्बे हासिल कर लिए हैं तो इसमें तुम फिर जीरो हो जाओगे, नहीं तुम यही तलाश करो, देखो कि वो सामने क्यों चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, तुम क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं चल सकता। बस यहीं से मुझे हौसला मिला और मैंने वाकई फिर ये ग्रह में बांध लिया कि अब कोई भी काम मैं करूंगा तो उसकी डीप को पहुंचूंगा। और यही हुआ कि मैं डीप को पहुंचता तो उसमें रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो इस तरह से मैंने फिर इसी तरह इंपोर्ट के काम भी किए तो उसके अंदर कुछ माल गलत भी आए, कुछ गड़बड़ भी हो गई ना तजुर्बेकारी की बिना पर, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। उसके बाद फिर एक उरूज ऐसा भी आया कि मेरिट रोड के बड़े बड़े लोग मेरे पास अपने आइटम लेके आने लगे कि यार ये मंगाओ। और मैं ये फखरिया नहीं कह रहा, मैं गुरूर तकबुर अल्लाह ना करे जो मैं कभी भी करूं, लेकिन यहां जो इस वक्त मौजूदा सदर है बागबाल नमूने वाले, ये बहुत बड़े इंपोर्टर और बहुत बड़े इंडेंटर भी थे हिलाल इंटेक्स के नाम से। और शुरू में मैंने इनसे इंडेंट भी लिए डायरेक्ट, यानी इंपोर्ट के बजाय शुरू में इंडेंट भी लिए, लेकिन फिर जिन चीजों के मैं इंडेंट लेता था उसको मैंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद उसके अंदर इतना बड़ा कंपटीशन किया, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, कि फिर यही सदर साहब जो है इकबाल नमूने वाला साहब, ये मेरे ऑफिस पे आए और कहा यार फिरपो तुम्हारे, अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि फिरपो मेरे नाम क्यों पड़ा। आज आप शमीम कहेंगे तो लोग पूछेंगे कौन शमीम, लेकिन फिरपो ओनली वन, फिरपो आप कहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन फिरपो। उसकी वजह ये थी कि जब मैं जमीयत पंजाबी सौदागरान में इंटर हुआ तो यहां सात शमीम थे,
कोई शमीम पहनवाला था, कोई शमीम शमसी था, कोई शमीम रैपकॉन थे, कोई शमीम लाहौर वाले थे, कोई शमीम शेर थे। तो मेरे साथ उन्होंने फिर उसको शमीम फिरपो लगा दिया और वो फिरपो फिर ऐसा लगा कि वो मेरी शिनाख्त बन गई। और जब शिनाख्त बनी तो आज मेरा वो ब्रांड नेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी गाड़ियाँ बन रही हैं या जितनी मोटरसाइकिलें बन रही हैं, आज उसके अंदर बल्ब फिरपो ब्रांड का मिलेगा आपको। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वो मेरा ब्रांड नेम बन गया और फिरपो लाइट के नाम से यानी मैं बल्ब बनाता हूँ, तमाम ऑटोमोबाइल के हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉप्स जो कि फिलाजा पर है उसके अंदर छोटी स्कूटर से लेके बल्कि साइकिल के डायनोमा बल्ब से लेके हवाई जहाज तक के बल्ब पूरे मिलेंगे आपको। इतनी बड़ी वैरायटी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। ये अल्लाह ताला का करम है, उसका एहसान है, मेरी माओं की माँ की दुआएं हैं। देखिए हालात उस जमाने में इतने खराब न थे जिस जमाने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 68, 69, 66 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त में 2.5-2.5 फीट की बाउंड्री वॉल हुआ करती थी और दरवाजे खुले पड़े रहते थे, किसी किस्म की कोई चोर डाकू डकैती के कोई खतरे नहीं थे, कोई कत्लो गारत गिरी नहीं थी। जितने बंगले थे सबके 2.5 फीट से ऊंची दीवार किसी की नहीं होती थी, वो सिर्फ एक तरह से हदूद का तायुन करने के लिए बाउंड्री वॉल लगाते थे, बाकी आराम से लॉन में बैठ के शाम को चाय पीते थे। तारिक रोड के ऊपर जितने बंगले थे जो मेरे सिरपों के आगे थे, जिस पे आज डॉलमेन बॉल है, ये 6 बंगले थे, 6ों में अमेरिकन रहते थे। शाम को वो कुत्ते टहलाते थे वहां पर और उसके बाद फिर शाम को लॉन में ही बैठ के चाय मंगाते थे और चाय पीते थे। उससे आगे तमाम अदाकारों के थे, मोहम्मद अली का बंगला वहीं था, वहीद मुराद का बंगला वहीं था, शबनम का बंगला वहीं था, ये सब वहीं पर थे। तो उस जमाने में भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकलता था तो वालदा मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ के भेजती थी और जब मैं घर में घुसता था रात को तो उनके हाथ में तस्बीह होती थी और आंखें उनके दरवाजे पे लगी होती थी। ये मोहब्बत का आलम था। वो मोहब्बतें आज भी होंगी यकीनन, वालदा तो हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, लेकिन शायद मेरी माँ ने मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, इसलिए कि शायद मैं ही उनकी उम्मीदों का मरकज था, या मैंने जब कभी कोई मुश्किल पड़ी तो उनके आंसू आगे बढ़ के पहुँचे थे अपने वक्त से पहले, यानी जबकि मैं मैच्योर नहीं था, बच्चा भी था, तो मैंने उनके आंसू आगे बढ़ के पूछे थे और मैंने उनसे कहा था कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह नज़ीर ये सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो उनकी दुआएं भी फिर मुझे इसी अंदाज में मिलती थी। मेरे भाई और भी थे, वो तमाम भाई भी यानी जिनके पास वो सारी दौलत चली गई थी, लेकिन मुझे कोई ऐसे आर नहीं है कहने में कि वो कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जो मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिखा दिया। इवन के मेरे सगे भाई, सबसे बड़े भाई सुल्तान साहब, वो भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके, इसलिए कि माँ की दुआएं नहीं ली थी। अगर मैं खाली अपने बीवी और बच्चों को अपना बच्चा और बीवी समझूंगा और माँ बाप को मैं उज़्वे मुअत्तल की तरह अलग कर दूंगा तो फिर माँ तो बाहर सूरत बद्दुआ तो नहीं देगी, लेकिन फिर दिल से दुआ भी नहीं करेगी आपके लिए। वो दुआएं मैंने ली हैं जिसके बिना पर मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैंने उन यतीमों पर हाथ रखा है, उनको मैंने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, मैंने उनकी शादियां भी की, मैंने उनको कारोबार भी कराए, मैंने उनको घर भी बना के दिए, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि मैंने नहीं किया कुछ, ये अल्लाह ने कराया, उनके नसीब से हुआ, मैं तो जरिया बना खाली, मैं ना करता कोई और करता। वो सारे बच्चे आज मेरी अपने, अगर बाप उनके होते तो शायद उनकी इतनी इज्जत ना करते जितनी मेरी इज्जत करते हैं आज। मेरी उम्र में उनके बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जो बड़ा बेटा है सबसे बड़ा मेरी बहन का, वो आज नाना भी है और दादा भी है, और मेरे से उसका सिर्फ 7 साल का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद उसका अदब व आदाब मैं आपको बता नहीं सकता, ये लोग बहुत से जानते हैं यहां पर बैठ के। तो ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि मेरा यकीन और मेरा ईमान ये है कि मैं अगर आम बोऊंगा तो आम निकलेगा,
मैं टमाटर बोल के प्याज बोल के आम नहीं निकाल सकता। ये बच्चा जो निहालचे पे बैठा हुआ होता है, ये निहालचे पे लेटा हुआ होता है, वो समझता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, बोलने की कुव्वत नहीं रखता। अगर वो सीखने वाला बच्चा ना होता तो मेमन के यहाँ वो किरो किरो ना करता, उर्दू दाल के यहाँ वो जी जी नहीं करता, या अंग्रेज के यहाँ वो नो नो नहीं करता। वो सीखने का अमल उसके पास पूरा पूरा होता है, वो सब कुछ सुन रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। उसको बोलने की कुव्वत बहुत बाद में मिलती है, और जब बाद में मिलती है तो फिर वो जो कुछ अपने निहालचे पे लेट के देख रहा होता है वो फिर वही कर रहा होता है। तो मुकाफात अमल बेशुमार लोगों के पास है। आज मेरे सामने ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनके पास बहुत रुपया है, अरबों में पति है, अंपायर भी बहुत बड़ी, स्टेट भी अपनी बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन परेशान है सिर्फ औलाद के हाथों कि औलाद नेक नहीं निकली। उसकी वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने खुद अपने बड़ों के साथ वो सलूक नहीं किया। अगर वो अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक करते तो यकीनन उनके सामने ये चीज ना आती। वो अगर पहले से हुस्न अखलाक करते अपने औलाद अपने बड़ों के साथ तो यकीनन उनके साथ भी फिर अच्छा ही होता। ये मेरा ईमान है, और मैं आज भी अपने बच्चों से सबसे यही बात कहता हूं कि बेटा जो बोओगे वो काटोगे, जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा पाओगे इंशाल्लाह उन्नति। तो माँ और बाप, बाप का तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं 6 साल का था, जब 5.5 साल का था तो वो बीमार पड़ गए, और फिर उसके बाद मौलत उन्हें नहीं मिली, और फिर उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप के नाम से कुछ बनाऊँ, तो मैंने स्कूल बना दिया। मैं माँ के नाम से कुछ बनाऊँ तो मैंने मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया। और भी किसी ने अगर कुछ कहा तो अभी मैंने ये मैं फिर आपसे एक मरतबा वाजे कर दूं कि अल्लाह ना करे, ये मैं बिल्कुल बड़ाई नहीं बता रहा हूं कि भैया ने कोई मैंने बहुत आला और अरफा काम कर दिए या जिसके ऊपर मुझे गुरूर और तकबर हो, ना, अल्लाह ताला उससे पहले मुझे मौत दे दे जिस दिन में मुझ में गुरूर या तकबर की एक लहर भी आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि चिराग से चिराग जलते हैं, जितना खर्च करें रब्बुल आलमीन उतना ही देता है, जितना आप हाथ को तंग करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी ही तंगी आपके लिए पैदा कर देंगे। लेकिन जितना अपने आप को वसत देते चले जाएं, जितना आप फरागदिली के साथ काम करते चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही आपको नवाजते चले जाएंगे। अभी मैंने कराची जेल के अंदर एक डाइनिंग हॉल पूरा बना के दिया है, क्योंकि मैं दौरे पर गया जब जेल में, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक तकरीब में मेहमान खुसूसी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ख्वातीन जो है, ख्वातीन की जेल थी और बच्चों की जेल थी, तो मैंने उसमें देखा कि वहाँ पर वो जिस अंदाज में खाना खा रहे थे बैठ के, सड़क कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, जिस तरह लोग उनको डाल रहे थे, तो मैंने वहाँ पर उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि इनको कम अज़ कम यहाँ पर बैठ के, ये एक इनका स्कूल है, अगर हम इनको यहाँ से जब ये इनकी सज़ा ख़त्म हो और ये कुछ सीख के चले जाए, कुछ आदाब सीख के जाए, तो यकीनन ये कारगर शहरी बन सकते हैं। उन्होंने मुझे एक बैरिक दी, एक बैरिक खाली पड़ी हुई थी, वो मैंने ली, तो उसको मैंने डाइनिंग रूम भी बनाया, उसके अंदर बाकायदा टेबलें कुर्सियाँ ये वो सब चीज़ें लगाई, और मैंने उसके बाद एक ऑडिटोरियम भी बना दिया उसी को, और उसके अंदर विजन ये वो सब चीज़ें लगा के कि जी इनकी तालीम भी यहाँ पर आप करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर वो भी चल रहा है। इसके अलावा पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि 15 मददगार हमने काम शुरू करना है, तो अल्लाह वाला चौरंगी के ऊपर शराय कायदीन पे उन्होंने मुझसे कहा कि जी एक आप बना के दें, तो मैंने उसको मुकम्मल एयर कंडीशन 15 मददगार बना के दिया, पूरा इक्विपमेंट के साथ बना के दिया, तमाम उसमें कंप्यूटर एयर कंडीशन ये वो टाइल बाथरूम सब कुछ बना के दिया। उस वक्त के उस वक्त 17.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। लेकिन फिर पुलिस वाले होते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मेरी चीजें गायब हुई, पुरानी चीजें ला के रख दी गई, नई चीजें उठा ली गई वहां से, फिर उसके बाद दोबारा उसको दुरुस्त किया गया, लेकिन फिर उसके बाद अब वो 15 मददगार का भी मामला खत्म हो गया, और फिर वो वहां से सड़क चौड़ा करने में उसको तोड़ भी दिया गया। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था
के रिफाही काम करना ये बरकतों का काम है, ये इसके अंदर ये अपनी आकबत को संवारने का काम है, इसके अंदर किसी पर एहसान नहीं है। जो कुछ भी किया मैंने तो ये देखा कि जितना मैं खर्च करता चला गया अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही मुझे देते चले गए, और खुदा गवाह है मुझे नहीं पता कि किस किस कॉर्नर से मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह पाक ने मुझे मेरी सोच से ज्यादा दिया है, उस मालिक का करम है। और सबसे बड़ी चीज इज्जत है, जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है मैं इस काबिल नहीं। मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिए, तालीम मेरी अधूरी छूट गई थी, प्राइवेट इम्तिहान दिए, मैंने न कॉलेज की शक्ल देखी न मैंने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी, लेकिन मुझे फख्र है कि कराची यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया लेक्चर देने के लिए। जब फाइनल के लोग वहाँ से फारिग उल तहसील हो रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया, और वहाँ पर डॉक्टर इशरत हुसैन जो आईबीए के डीन थे वो चीफ गेस्ट थे, मैं स्पीकर था। तो उन्होंने जब खड़े होकर मेरे कंधे को थपथपाया और मेरे पीठ पे हाथ फेरा कि बेटा बहुत ज्ञानी कहे थे तुम्हारे, तो वो मेरी इज्जत का मेराज था और मैं वो लम्हा भूल नहीं सकता। आज आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह ने इस काबिल किया है कि मैं आपके साथ में बैठ कर अपनी ये जिंदगी के कुछ औराक आपके सामने खोले और आपसे शेयर किए हैं। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह मियाँ किसी को अच्छे दिन दिखा के बुरे दिन ना दिखाए, और रब्बुल आलमीन जिसके भी माँ बाप जिंदा हैं उन सबको इतनी तौफीक दे कि वो माँ बाप का दिल खुशियों से भर दें, उनकी खिदमत इस तरह टूट के करें कि वो आपके लिए दिल से दुआ करने पर मजबूर हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ, और मैं आपसे ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर अपना लीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बल्कि मुझे उसे बताइएगा ज़रूर ताकि मैं उसके ऊपर एहतियात बरतूँ और आइंदा उसे कहने से परहेज करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। भाई जितनी बातें हैं आपने कही उसमें से तकरीबन 40% का तो मैं भी जो आपने कहा खास तौर पर अपने भाइयों के मुताबिक वो भी मैं उसको कहा, और बिल्कुल आपने हकीकत कही। हकीकत यही है कि वालिदैन की दुआएं जो लेते हैं वो मेरा भी मानना नाकाम नहीं। आपकी इस बात का हवाले से थोड़ा सा मेरा एक फलसफा है, क्योंकि यहाँ हमारे गैंगस्टर बहुत सारे बैठे हैं, उनको मैं बताऊँ। मेरा तजर्बा ये है कि 99% वालिदैन कभी अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करते, बिल्कुल सही, चाहे उनका दिल दुखे भी 1% शायद कोई ऐसा मौजूद होता है, लेकिन आया उस 99% में से औलाद ऐसी कितनी है जो कहते हैं वालिदैन का कलेजा ठंडा है। बाज़ोकात वालिदैन किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं, बच्चा नहीं रुकता, कर लेता है वो काम तो, और कोई बच्चा रुक जाता नहीं करता, तो होता ये जब उससे उसको नुकसान पहुँचता है तो वालिदैन तो उसके लिए फिर भी दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह इसको नुकसान से बचाए, लेकिन उनके दिल में जो एक कसक होती है ना कि देखा इसको रोका था नहीं माना तो उस चीज़ से बचना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि आपकी ओपन रिकॉर्ड बहरहाल मैं आपकी बात का दो जवाब छोटा सा जवाब दे दूं। मैंने इब्तिदा में आपसे ये बात कही थी कि तीन किस्म के इंसान होते हैं, एक वो जो अल्लाह ने उसको वाकई आला और अरफा दिमाग दिया हो और वो अपने जहन से अच्छी बातें करता हो और सही सिमत में चल रहा हो, एक वो जो अच्छे लोगों को देखकर उनसे सबक हासिल करे और उनसे वो सीख ले, और एक वो जो किसी के बताने से उसे अपना ले उसे सीख ले। लेकिन अगर ये तीनों सिफात उसके अंदर नहीं है कि वो ना समझ अपनी समझ से करे, ना वो देख के करे, ना बताने से करे, तो फिर मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है। एक बहुत छोटा सा वाक़या है मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं मैरेटोड पे बहुत ही कामयाब एक ताजर बन गया और एक बड़ा इम्पोर्टर बन गया,
और इसके अंदर मैं लौटे आने के कहते बड़ी बड़ी देने लगा, तो मुझे लोग फिर अपने यहाँ बुलाते थे कि यार थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, थोड़ी देर उसके यहाँ जाके बैठ जाए, तो मुझे हाजिरी लगानी पड़ती थी उनके यहाँ। तो आज भी है एमएस ट्रेडर, मैं बड़े फखरी अंदाज में बताता हूँ, सक्कर वाले हैं मेरे रोड के ऊपर, एमएस ट्रेडर्स के नाम से उनका काम है। तो पहला ठेका मेरा गाड़ी खड़ी करने के बाद, क्योंकि वो अपने यहाँ मेरे रोड के ऊपर अपनी दुकान के आगे जगह करा के रखते थे, मैं ज़रा देर में जाता था और उस वक्त तक सारी पार्किंग हो चुकी होती थी, तो वो पेटियाँ वेटियाँ रख के जगह को होल्ड करते थे, जब मैं जाता था वो पेटियाँ हटाते थे और उसके बाद फिर मैं गाड़ी वहाँ पार्क करता था, तो पहले उनके ही बैठता था। एक रोज उन्होंने मुझसे कहा, यार भाषमी माँ बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या? कहे यार आप रोज एक नया जोड़ा पहन के आते हैं, एक नए जोड़े से मुराद ये कि धुला हुआ साफ सुथरा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले यार घर में भावच से कहिएगा कि इस्तीरी करके दे दिया करें। अब वो चूंकि पहले धोबी के से धुल के आते थे या ड्राई क्लीन से आते थे तो तय होके आते थे, आज तो हैंगर पर लटक के आते हैं, पहले उस जमाने में तय होके आते थे, तो मैं वही तय वाले पहन के चला जाता था। तो कभी उसके अंदर मैंने ये कोशिश नहीं, ये नहीं सोचा कि इसको मैं इस्त्री करा लूं, तो वो जो तय का निशान था वो सामने होता था। तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि यार ये भावच से कहा करें कि इसको जरा सा इस्त्री का हाथ फेर के दे दें आपको, या आप इतने सोफिस्टिकेटेड इतने अच्छे लेकिन ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 8-10 दिन के बाद उसने मुझसे कहा, यार भाषमी माँ आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना था? मैंने भी किस बात का बुरा मानना, यार आपने अच्छा है मुझे यानी क्या कहते हिदायत की, मैंने उसे अपना लिया। कहने लगे मैं बाखुदा बता रहा हूँ कि ये मेरी आदत है और मैंने किसी एक को नहीं, यहाँ पे बहुत से लोगों को टोका है, लेकिन सबके सर पे से गुजर गई। आपको उस दिन से मैं मुस्तकिल तलाश करता रहा कि यार आज शायद ये भूल के वही पहन के आ जाए, कल पहन के आ जाए, लेकिन आपका उस दिन से बात से मैंने ये देखा कि, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई चीज ऐसी जो किसी ने मेरी बेहतरी के लिए बताई हो, मैंने उससे अपनाई हो, उसके बाद फिर एक दिन भी नागा की हो। नंबर एक। नंबर दो ये कि कोई भी बुरी चीज मैंने किसी ने मुझसे कही हो कि इसको अपना लो और मैंने उसे अपना ली हो, ये नहीं आने क्या कहते मैंने किया। तो ये अल्लाह ताला का करम है, उसका एहसान है कि बहुत सी बातें अल्लाह ने खुद दिमाग में डाली, अच्छी थी अपनाई, बहुत सी बातें देख कर सीखा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग मेरे उस्ताद हैं, बहुत उस्ताद हैं। एक छोटा सा वाक्य आपको मैं बता दूं, मैं जिस पर सप्लाई करता था तो बहादराबाद पे एक करीम स्टोर था, तीन भाई थे और इतना काम चलता था उनका, इतना यानी, तो मैं वहां पर उनसे बात करने की फुर्सत नहीं होती थी उन्हें, तो मैं बड़ी देर मुझे खड़े रहना पड़ता था कि जी अपने ग्राहकों को निपटा लें तो मैं अपनी बात करूं, या मैं बिल दूं इनको पैसे लूं, या माल दूं इनको संभलवाऊं, सप्लाई करता था। तो उसमें सबसे बड़ा भाई अनवर था, तीनों भाई बहुत अच्छे थे लेकिन अनवर के अखलाक का तो जवाब ही नहीं था। तो मैंने ये देखा कि वो अपने ग्राहकों में मसरूफ है, मैं बैठा यानी क्या कहते इंतजार कर रहा हूं कि ये फारिग हो। एक पठान आया बाहर से, उसने एक पर्चा दिया उसको, मैं समझा कोई दवाई ववाई लेने, क्योंकि जनरल स्टोर था उनके पास, दवाइयां भी थी, जनरल स्टोर भी था, प्रोविजन भी था, सब था, तब करीम स्टोर बहुत बड़ा। तो उसने पर्चा दिया, उसके पर एड्रेस लिखा हुआ था, बाबा ये हमको बताओ किधर है। मैं समझा कि ये पलट के झापड़ मारेगा कि भाई मैं काम कर रहा हूं तू उठा के। वो फौरन वो पर्चा लेके काउंटर से बाहर निकला, दुकान का दरवाजा बंद किया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, क्या पकड़ के मारेगा इसको। मैंने दुकान के पीछे दरवाजे के पीछे एक नक्शा लगा हुआ था, उस मैप पे उसने देख के बाकायदा जाके बाहर बताया, वो बिल बना रहा था, खुदा की कसम उसने वो बिल छोड़ दिया बनाते बनाते, और वो जनाब बाहर गया। और बाहर जाके उसने कहा कि देखो खान तुम यहां तुम खड़ा है इस वक्त, एक गली छोड़ो, दूसरा गली छोड़ो, तीसरा गली छोड़ो, तीसरे गली में उल्टे हाथ को मुड़ो, उसके बाद तीन मकान छोड़ेगा, चौथा मकान ये 491 नंबर होगा, इस तरह उसको समझा। और फिर अंदर अंदर खड़ा हो गया और फिर अपना काम शुरू कर दिया।
मेरी बारी बड़ी देर में आई, तो मैंने कहा यार अनवर भाई आज आदमी में मैंने एक अजीब तमाशा देखा यार, मक्तबेश का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, बाम इतनी देर पहले के आए हैं आप हमें घास डालते नहीं हो, वो पठान आया आप उसके लिए। उसने कहा आप मेरे ग्राहक। मैंने कहा तो क्या वो पठान ग्राहक था? बोला ये बड़े लोगों की कॉलोनी है, यहाँ पर पठान ही आन के ज्यादा सामान लेके जाते हैं, वो दस जगह पूछते भी नहीं है। आज जो मैंने उसके साथ उसने सलूक कर दिया है ना, उससे उसकी सिखानी जो भी कुछ मंगाएगी वो यहीं से लेके जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये मैंने अपनी गिरा में बांध लिया। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान देखता है सीखता है, उसी से मेरा इखलाक दुरुस्त हुआ, वरना मैं ऐसा नहीं था। फिर मैंने अपने अंदर काफी अनेक चेंजेस लेकर आया और इस चीज को मैंने अपनाया। कहने का मकसद ये है कि इंसान अपना सेल्समैन खुद होता है। मैंने अगर कोई ये चीज बनाई है और मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये बहुत अच्छी है, तो आप आधा यकीन करेंगे आधा नहीं करेंगे। आप कहेंगे क्योंकि इसने बनाई है इसलिए अच्छी कह रहा है, वरना हो सकता है कि अच्छी ना हो। लेकिन अगर मैं अपने आप को खुद गलत करके पेश करूंगा तो कौन मुझे अच्छा कहेगा? तो मैं कम से कम अपने आप को अच्छा बना के तो पेश करूं कि लोग मुझे अच्छा समझने लगे, मुझे कहना ना पड़े कुछ। तो यह है मेरी जिंदगी का निचोड़ जो मैंने आपके सामने खोला है। बारह रब्बुल आलमीन मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब का निगेबान हो रब्बुल आलमीन। जिस किसी को अच्छी लगी हो बात वो जरूर अपनाए और कोशिश करें। मैं एक ही दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम एक दूसरे के दाई बन जाए। ऐ अल्लाह हम सबको एक कर दे और नेक कर दे। वो माने ना अल्लाह बला। अगर किसी और के पास भी कोई सवाल ना हो प्लीज। मैं पूछना चाहूँ। जी जी। वो मस्जिद के नाम लिया जो आपने पढ़ रहे वो मस्जिद अब्दुल हसीन मदरसा भी है और मस्जिद अब्दुल हसीन की गिडाम में। देखिए मैंने इंटर किया, पहले मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया लेकिन वो भी मैंने प्राइवेट किया, फिर इंटर भी मैंने प्राइवेट किया। बारह अलहमदिल्ला इंटर तक मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैं आपको जो बताया मैंने कि मैंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मैंने यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी। आपकी वाला माशाल्लाह आप जिनका बहुत बड़ा हाथ है जैसा आपने बताया, उनकी तालीम क्या थी? नहीं वो तो बाहर सूरत यानी क्या कहते हैं 80 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारी हो गई सन 2000 में, और उनकी तालीम तो बहुत वाजबी थी। उन्होंने यानी क्या कहते हैं तरबियत थी बहरहाल, यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी चाहे कितने ही नौकर चाकर क्यों ना है, लेकिन मैं अपना काम अपने हाथ से करना पसंद करता हूँ। मैं नहीं पसंद करता, मैं अभी भी इन्होंने मुझसे अभी कहा कि भाई आपकी वो अपल रिकॉर्ड कहाँ गई। मैं आपको बखुदा बता रहा हूँ, जब मैंने खानदान में पहली गाड़ी 3600 रुपए की ली, 3600 रुपए की वॉक्सवैगन, तो 3600 रुपए की गाड़ी 4000 लेके गया था, 400 बचे वो मिठाई में खर्च हो गए, लेकिन मिठाई पूरी नहीं हुई। लोग मुझसे मिठाई मांगते रहे, वो 3600 रुपए की गाड़ी ले रहे। आज मर्सिडीज खड़ी है, मैं मर्सिडीज में आया हूँ, जितनी मुबारकबादें मुझे 3600 में मिली थी मर्सिडीज पे कोई इतनी मुबारकबाद नहीं मिली मुझे, और ना एक टेढ़ी पैसे की मिठाई बांटी हो तो आराम है। तो ये उस वक्त की खुशियां थी, ये उस वक्त की स्ट्रगल थी, ये उस वक्त की स्ट्रगल थी। रात और दिन मैं आपको बखुदा बता रहा हूं कि घर नजदीक होते हुए भी 5-5 दिन में अपने घर की शक्ल नहीं देखी मैंने, इस तरह मेहनत की टूट के। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि रेस्टोरेंट का बिजनेस था। एक वक्त ऐसा आया कि सुबह 3 बजे होटल बंद होता था, 3:30 बजे बंद होता था, 7 बजे फिर खुल जाता था, टाइम नहीं मिलता था। मेरे बचपन में नमाज पढ़ता था, तरावियां रात को नमाज पढ़ना, वहाँ पर एक साहब होते थे सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहने होते थे, वो काफी। नहीं 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 वो फिर फिजारों की बात कर रहे हैं आप, वो फिजारों था बराबर में और ये फिर उसके बिल्कुल बराबर था। फिजारों जो था वो सईद शफीक साहब जो है उनके साया का था और वो बड़े तजर्बेकार थे, और मुझे जो मेरे घर में सब रिलक्टेंट थे यानी करने के लिए, क्योंकि वो हमसे 2 साल पहले खुला था रेस्टोरेंट,
वो भी बेच रहे थे, बाद में गली के अंदर ही चल रहे थे। वो गली में फिर रेस्टोरेंट नहीं लेके गया था, बिल्डिंग बनाई थी मैंने वो पूरी, तो उसके अंदर फिर मैं सिर को वहां ले गया था बिल्डिंग गली में। तो कहने का मकसद ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे हैं, सिर्फ ग्रुप ऑफ कंपनी 12 कंपनी है मेरी। लेकिन वो उसका मैंने आपको बताया कि वो सेंस क्या था, वो क्यों चेंज हुआ। वो चेंज जब हुआ, जब मेरे जहन में ये आया कि मैं एक मोहताज काम में गिर गया, इसको मैं जितना भी बढ़ा लूँ ये रहेगा मोहताज काम, ये जब कहेंगे तब कंधे पे रुमाल डालेंगे और चल देंगे, तो मेरा तो सारा कैपिटल यहाँ लगा रह जाएगा, मैं क्या करूँगा। नहीं देखिए, वो इंडस्ट्री बाद में डली, लेकिन उसके बाद अवामिल चेंज होते चले गए, हालात चेंज होते चले गए, आप मैच्योर हो गए। यानी क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया वो दौर अपना के वो दौर कौन सा था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री भी है, 250-300 आदमी काम भी करता है उसके अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका हक वक्त से पहले उनको अदा कर दीजिए, कभी कोई इंशाल्लाह। मैं उस होटल की बात आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर सबसे ज्यादा जो उम्र रसीदा आदमी था वो था तबे पे बैठता था, मोहम्मद रफीक उसका नाम था। मैं उसकी इतनी इज्जत करता था कि उस शख्स को मैं तवे से उठने नहीं देता था, और मैंने दो वेटर उसके पास लगा रखे थे कि ये इसको चाय चाहिए हो तो चाय यहाँ पर, पान चाहिए हो तो पान यहाँ पर, खाना चाहिए हो तो खाना यहाँ पर, इसको बैठे बैठे देना। खुदा गवाह है, चाय अगर रखे ज़रा सी ठंडी हो जाती थी तो वो उसको फेंक देता था एक घूट लेके, ओए दूसरी लेकर आ, तो उसे ऑर्डर था कि दूसरी दे दो फौरन इसको। मैं इतनी इज्जत करता था। लेकिन फिर उसके बाद उसका दिमाग ख़राब होता चला गया, नतीजा ये हुआ कि मैंने फिर उससे माजरत कर लिया और मैंने कहा भाई तुम जाओ। उसने कोई बदतमीजी की, बदतमीजी की, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम जाओ, मेरे पास अब तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वो चला गया। काफ़ी अरसे के बाद घूम घाम के वो मेरे पास आया, और मुझसे यानी काफ़ी अरसे मरा दिए कि 4-5 महीने तकरीबन वो लुढ़कता चला गया। पहले तो हमारे आगे एक जगह थी पठान का हॉलीवुड जो आइस डिपू था, तो उसके ऊपर जाके वहाँ तवा लगता था, तो उसके ऊपर बैठ गया वो, और उसने कस्टमर जो लगे बंदे थे जो बनवाते थे माल अपने सामने खड़े होके, तो उनको बुलाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन मैं नहीं घबराया उससे कि भाई ठीक है, जो हमारा नसीब है वो हमको मिलेगा। फिर वो लुढ़कता चला, क्योंकि उसको जो आदतें ख़राब हो गई थी वो कोई और नहीं दे सकता था। नतीजा ये हुआ कि लुढ़कता पुढ़कता वो वापस मेरे पास आया, और आन के उसने कहा कि सेठ मुझे रख लो। मैंने कहा नहीं, मैंने रखने, जो तुमने मेरे साथ किया मैं अब उसके बाद तुम्हें नहीं रखने का, मैं तुम्हें इतना मान दिया, इतना सब कुछ दिया। तो उसके साथ मैंने उसके लिए मैंने उसको कहा मैं नहीं रखूंगा आपको। तो फिर उसने कहा कि सेठ मुझे माफ कर दो। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ कि आपको एक काम देता हूँ कि आप साइकिल लें। एक साइकिल दी उसको, और मैंने कहा ये आप जमा करें चीज़ें सारी, और जमा करके यहाँ पर ले दिया करें, इसके अंदर मैं आपका इस तरह से दिहाड़ी आपको मैं दे दूंगा, आप बस जमा करके, यहाँ नौकरी नहीं रखूंगा मैं। इस तरह से लगा दिया। बाखुदा जिस तरह से वो यूनिवर्सिटी में जाके खिताब करना मेरे लिए उर्वित था, इसी तरह से उसके वो लफ्ज मेरे लिए इत्मीनान का बाइस थे। उसने मुझसे कहा सेठ खुदा ना बिगाड़े किसी की, हमने तो आपकी बड़ी बिगाड़ने की कोशिश की, ये मैं रिस्क रखा है, मैं रिस्क के ऊपर उसकी बात बता रहा हूँ, आपको दोहरा रहा हूँ। उसने कहा हमने बहुत कोशिश की कि आपका बेड़ा गरक हो जाए, लेकिन आप बढ़ते ही चले गए आगे। फिर उसके बाद हमने आपके साथ बदतमीजी की, आपने निकाल दिया, आपको नौकर 10 मिल गए, मुझे मालिक आप जैसा नहीं मिला। ये खुदा रसूल की कसम उसके अल्फाज है। ये मेरी मेराज थी जी। जनरल मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने माशाल्लाह की मेहनत की, आपने मुश्किल वक्त भी देखा, तो वो क्या चीज थी जो आपको रिचार्ज करती रही? पहली बात है बंदे को जब मुश्किल वक्त आता है तो वो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा वो चीज खल गई कि वो जो मुझे गोद में उठाया करते थे जब मेरे वाले जिंदा थे, उन्होंने मुंह मोड़ के जाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये हमसे कुछ मांग ले। उस वक्त में मुझे बगैर मांगे, वो उस जमाने में 1 रुपया ग्लिट का आता था, तो वो ग्लिट का 1 रुपया मेरे हाथ पे रखते थे, जो वहां फौरन ऊपर जाते ही मेरी माँ मुझसे ले लिया करती थी, और वो फिर मेरे बाप से कहती थी कि इसकी आदत क्यों खराब करते हैं तुम्हारे दोस्त, लेकिन वो देने से बाज नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद जब मैं सलाम करने के लिए उनके पीछे गया, तो क्योंकि वक्त आ गया था ना हमारे ऊपर, वक्त ऐसा भी था कि मैंने पेवंद लगी हुई नेकर पहनी,
स्ट्रगल, वो दौर था जिसके अंदर मुझे मोटिवेशन कि नहीं मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है। और वो जो फिर बच्चे आ गए मेरे पास, तो फिर मैंने उनसे कहा कि इनको कोई महरूमी नहीं होनी चाहिए, ये उनकी खिदमत के तुफैल कह लें आप, उनके नसीब से कह लें आप, अल्लाह नवाजता चला गया और मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं कहां से आने का कितना नवाजा जा रहा हूं। ये सब उस वक्त का खराब है, वरना ना मैंने इतनी इज्जत के बारे में सोचा था कि मुझे मेरा एक मुकाम ये होगा, और ना मैंने पैसों के बारे में सोचा था कि कभी अल्लाह इतने पैसे दे देगा मुझे। हर दो चीजों में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। शमीम साहब, मेरा एक सवाल है जी, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये सईद गनी जो है ये भी पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूट है, ये सईद गनी ये किसके नाम पे आप? हाँ, आप कहेंगे कि भाई यानी क्या कहते हैं 1966 में शुरू किया और 1988 का आप लोग स्लोगन चला रहे हैं कि ये फर्म जो 1988 से कायम है। ये दरअसल सूरत हाल ये हुई कि सईद गनी एक बहुत पुरानी फर्म थी, मेरा भांजा है, उनके ये ताया थे, एक्चुअली उनके ताया भी नहीं थे बल्कि उनके दादा के भाई थे, वो लावलत थे, औलाद नहीं थी उनकी। जब उनका इंतकाल हुआ तो ये विरसे का मसला हो गया उसके अंदर, और फिर वो कोई संभालने को था ही नहीं, तो वो बिकने वाला मामला आ गया। तो चूंकि फिर जब लावलत होता है तो फिर वो नीचे तक जाता है बहुत कुछ, तो जब ये उनकी तरफ आया तो उन्होंने कहा इसको हम परचेज कर लेते, इसको अपनी तरफ कर लेते पूरा। तो परचेज करने के लिए उन्होंने जब फिर मुझसे बात की तो मैंने उसके अंदर 51% शेयर लेने के बाद मैं उसका चेयरमैन बन गया। तो इस तरह से वो फर्म 1988 की है, लेकिन मेरे पास अभी 1888 की। ऑफकोर्स जी शमीम साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा जी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए मैं तो अपने अब तो मैं ये करता हूँ कि कारोबार तो मेरे बच्चों ने संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फख्रिया ये बात कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेरी मेहनत का फल मेरी औलाद की शक्ल में दिया है, कि मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, और मेरे भांजे जो हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया कि वो इतनी इज्जत करते हैं कि कोई अपने सगे माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं कर सकता जितनी वो करते हैं, तो फिर मेरे बच्चे तो फिर मेरे बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के ऊपर। बहुत से लोग इस फलसफे के ख़िलाफ़ होते हैं कि वो जब तक सांस है उस वक्त तक काबू बने, यानी मतलब सांप बने बैठे रहते हैं और बच्चों के हाथ में इख्तियार नहीं देते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि मैंने तो एक चीज़ बहुत पहले से अपनाई थी। तो मैंने आज से तकरीबन 12-15 साल पहले मैंने यानी क्या कहते हैं ये बच्चों को इख्तियार दिया। तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा रोई धोई भी, क्योंकि मैंने एक रोज़ ऑफिस के अंदर मेरा चैम्बर अलग था, तो मैंने चैम्बर में इन तीनों बच्चों को बुलाया और मैंने कहा कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि जी क्या हो गया, क्या गलती हो गई? मैंने कहा भाई कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कल से ये काम आप संभालेंगे। इन्होंने कहा मुझे कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई तो बताइए। तो मैंने कहा भाई नहीं, कहीं कोई गलती नहीं हुई, बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई अब मैं यहाँ पर ना हूँ, ये काम अब तुम लोग करो, मुझे इत्मीनान है कि तुम लोग अच्छी तरीके से चला सकते हो काम को, तो मैं कोई यानी यहाँ पर टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं बाखुदा बता रहा हूँ कि इस बंदे ने रोना शुरू कर दिया, भाई मसला क्या है, मसला तो बताएं हमसे क्या गलती हुई है। तो मैंने इनसे कहा भाई मैंने अपनी इनिंग अपनी उम्र में 12-15 साल पहले स्टार्ट की थी, अब मेरी उम्र के शायद 12-15 साल ही रह गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो उस वक्त मैंने, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया था, जबकि आमतौर से लोग 22 साल की उम्र में जाते हैं, तो मैं अगर 10-12 साल पहले आ गया था तो मैं चाहता हूँ कि 10-12 साल पहले मैं फारिग भी हो जाऊँ और मैं अपनी वो लाइफ अब इंजॉय कर सकूँ। इनकी आधी बात समझ में आ रही नहीं है, बोला नहीं अबू जी सच बताया। मैंने कहा मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो आज मैं हूँ, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं बताने वाला मौजूद हूँ, लेकिन कल अगर मेरी सांस निकल गई और सारा इंतजार तुम्हारे हाथ में आ गया तो ऐसा ना हो कि तुम बंदरों की तरह लड़ो, क्योंकि मेरे सामने ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं।
तो मैंने ये कुछ कोई ऐसा केस देखकर ही मैंने ये फैसला भी किया था कि भाई इनके हाथ में अभी दे दो, ये नया खून है और ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि उसे बहुत ज्यादा इन लोगों ने बढ़ाया है। काम को जहां तक ले गए हैं ये, वो इसमें इन लोगों का दखल है। और मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये दखल, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत उसी वक्त तक डाल रहे हैं जब तक कि तुम यूनाइट हो। ये मुट्ठी एक है, सब तीनों एक हो, ये किसी भी सूरत से अलग मत करना अपने आप को एक दूसरे से, तो इंशाल्लाह बरकतों के दरवाजे तुम पर खुले रहेंगे। लेकिन अगर तुमने एक दूसरे की काट करनी शुरू कर दी तो फिर यकीनन तुम भी 3-13 में नहीं रहोगे। तो ये वजह थी कि मैंने भी वक्त से पहले इख्तदार सौंप दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये हुआ कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। मैंने इब्तदा की, यानी मैं अब आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं कि जब मैंने इब्तदा की इनके ऊपर, मैं ऊपर से वॉच रखने की, इनको पहले मैं ऑफिस में बैठता था, अपना चैम्बर अलग कर लिया, इन लोगों के सपोर्ट कर दिया कि तुम डीलिंग करो। तो एक रोज मेरे और मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे रहते थे, तो मेरे चैम्बर में एक दोस्त मेरे, वो नाम भी मैं बता देता हूँ, खुर्शीद कानपुर वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे पास आए हुए थे, चैम्बर में बैठे हुए थे मेरे। तो सबसे छोटा बेटा जो है वो बिल्कुल ही, यानी क्या कहते हैं, नौवारिस था, वो ऊपर आया और आके उसने कहा मुझसे, मैं एक कोने में खड़ा हो गया कि ये बात कर ले तो मैं बात करूं। मैंने बात अपनी मुकम्मल नहीं की और मैंने कहा हाँ भाई बोलो क्या कह रहा हूँ कैमरा। तो उसने मुझसे कहा कि अबू जी आपसे बात करनी थी। मैंने कहा बोलो, फिर आप पहले बात पूरी कर ले। मैंने कहा नहीं बोलो। अच्छा, मैं ऊपर मॉनिटर मैंने लगाया हुआ था तो मैं देख रहा था कि कामरान साहब के पास लाहौर का एक व्यापारी आन के बैठा हुआ था, हशमत नाम था उसका, वो बैठा हुआ था, ये उसी से बात करते करते ऊपर आए थे। तो मैं उसकी आवाज़ बंद रखता था सिर्फ, यानी मॉनिटर खोला हुआ था, वॉल्यूम नहीं खोला हुआ था। तो ये आए मुझसे कहने लगे कि जी वो हशमत साहब आए हैं। मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया, नीचे बैठे हैं। कहने लगे वो 50,000 T10 मांग रहे हैं। मैंने कहा फिर दे दो, है नहीं तुम्हारे पास? बोले है। मैंने कहा फिर? बोले कि जी वो 10 पैसे कम करने को कह रहे हैं। मैंने कहा फिर तुम देखो यार, देना है दो, नहीं देना नहीं दो, अपनी कॉस्ट देखो। तुम एक दफा समझा दिया कि भाई कॉस्टिंग किस तरह है, तो सब कुछ कॉपी पे देखो, अपना फैसला करो, नहीं आप बता दें। मैंने कहा भाई क्यों बता दें? तुम्हारे पास आंख की कमी है, कान की कमी है, दिमाग की कमी है, टांगों की कमी है, क्या है? जो दो चीजें तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, एक दफा बता दिया, चलो जब फैसला करो, बेसाखियों की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने जिस अंदाज में उसको भेजा, खुर्शीद साहब को बुरा लग गया, मैं जो मेरे दोस्त बैठे हुए, मैं नाम भी बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा यार क्या हो गया तुझे, ये तरीका है बात करने का बच्चों से? क्या हो गया? कहने लगे कि मियां वो तो बच्चा था बेचारा, वो तो जवाब नहीं दे सका, मैं होता तो मैं तुम्हें जवाब देता। मैं क्या जवाब देते बोलो? कहने लगे आपने उससे सवाल किया कि भाई तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास है, वही दो आंखें, वही दो नाक, वही दो कान है तुम्हारे सब पास है, तो मैं उसकी जगह होता तो मैं बताता कि जी मेरे पास आप जितना तजर्बा नहीं है। तो मैंने कहा जी तजर्बा मेरे बाप ने मुझे सिखाया था, यार मैं तो 6 साल का था जब अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो मैंने भी तो यहीं रह के सीखा है, तो वो क्यों सोच रहा है कि बाप खुद बाप है तो वही सिखाएगा मुझे, सीखे खुद अपने आप। मैंने कहा यार 10 पैसे से 50,000 रुपए, 5,000 रुपए का फर्क पड़ा, मैंने इसकी तालीम पे लाखों रुपए खर्च किए, ये 5,000 में मैं मर नहीं जाऊंगा अगर ये 5,000 रुपए नुकसान भी कर लेगा तो, लेकिन फिर उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि तुमने ये 5,000 रुपए का नुकसान कर लिया, तो ये इसके लिए एक सबक होगा। फिर उसके बाद वो इसी जगह से 5 लाख कमा के दिखाएगा मुझे जहां पे आज 5,000 गंवाएगा, लेकिन अगर मैं आज इसकी हिम्मत अफजाई करता, मैं इसको बताता, तो फिर ये हमेशा के लिए बेसाखियां दाई थी कि भाई कोई भी बात हो आप बस आन के पूछ लो। आज मैंने उसकी इन अल्फाज में कमर तोड़ दिए
कि वो आइंदा मुझसे कोई बात पूछने नहीं आएगा, और यही हुआ। और मैं बाखुदा बबांगे दोहल में आपसे कह रहा हूं, औलाद तीनों में ही, लेकिन सबसे ज्यादा यानी तेज जो है वो वही मेरा हाफिज है। वो हिज करके आया था, कुछ ही दिन हुए थे अभी दुकान पे आए हुए, जो उसने मुझसे ये सवाल किया था, और मैंने उससे कहा कि मियां जाओ खुद फैसला करो, एक दफा बता दिया, बार बार नहीं बताता मैं। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सब में ज्यादा तेज है, तीनों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेज है, तीनों अपने काम पे हावी है, लेकिन रिटेल का काम खासतौर से या चिल्लड़ का काम कोई हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो जिस दिन बाहर चला जाता है जरा से दिन के लिए, तो इनको नानी याद आ जाती है उसकी जगह संभालने में, लेकिन ये उसी का हौसला है कि वो इतना बड़ा काम, इतनी वैरायटी, इतना वो सब कुछ वो संभाले बैठा है, और उसका दिमाग माशाल्लाह कंप्यूटर है। अल्लाह ताला उसको उम्र दे और अल्लाह ताला उसके नसीब बुलंद करे। एक आखिरी रिक्वेस्ट है, जो अगर टाइम है, मेरा ख्याल है बस सवाल जवाब का तो सिलसिला बंद कर दें, क्योंकि मगरिब का भी नमाज हाँ प्लीज प्लीज फिर नमाज पढ़ हाँ नमाज भी पढ़ लेते हैं, विषय से पहले पढ़ लेंगे। आप क्लोज डाउन करें, इससे पहले मैं कुछ कह दूँ। जी जी प्लीज 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 अगर आपकी इजाज़त। जी जी सामने पहले तो सबसे पहले मैं माजरत, वो असल में मैं आता हूँ सोहागपुर से, और सोहागपुर से आना और जो शीर्ष के मुताबिक बहुत मुश्किल काम है। मैं अल्लाह ताला ने अपने भाई बात पहुँचा दिया, उसका शुक्र है रब का। आप तमाम हजरात मौजूद हैं, बहुत सारी शिकलें मुझे मेरे बुजुर्गों की भी नज़र आ रही है और मेरे हम उम्रों की भी नज़र आ रही, बाकी छोटा तो मुझे कोई नहीं आ रहा। तो बहर आप हजरात आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरे ख्याल से जो मेरी कहानी है, कहानी के कुछ पहलू और आप जो हैं भाई शेमिंग ने अपने अभी खोले हैं, और बहुत सारे और आप अभी छुपा के रखे हुए हैं। ये इनमें एक जो ख़ास बात ये है कि ये ताश के पत्ते जिस तरह होते हैं, इस तरह के सारे पत्ते नहीं खोलते, कुछ पत्ते आज खोलते हैं। मेरे ख्याल से वो जो पत्ते खोले हैं वो मेरे जैसे नौजवानों के लिए काबिल रश भी हैं और मिसले रात भी हैं, और बाकी जो बुज़ुर्ग हैं वो तो तमाम चीज़ें जानते भी हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं वैशमीम आपकी इन कामयाबियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे नौजवान इंशाल्लाह ताला आपके तजर्बों से और आपके जो मामला चले हैं, इंशाल्लाह हम भी सीख के और उस मंजिल पे पैर रखने की कोशिश करेंगे। मगर दुआओं की आप तमाम मेरे बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नौजवानों के लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और वक्तन फवक्तन हमारे कदम से कदम जब हम चलाएं तो अल्लाह ताला हमारा रहनुमाई फरमाए। दूसरी गुजारिश एक चलते चलते बात भाई शेमिंग ने कहा था कि ये एक नया जोड़ा पहन के जाया करते हैं। अब बात यह है कि उन्होंने क्यों कहा था कि इसको स्त्री ग्राह्य करें या नए जोड़ा, या तो उनका इतराज नए जोड़े पर था क्योंकि रोजाना चेंज करते थे, तो कोई ना कोई तो जेलसी होगी, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इन्हीं थोड़े से मैंने इसलिए कहा एक बार कि भाई शपीन जो है बहुत गहरे हैं, बात को फिर समझ गए होंगे। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर तमाम का जमीन की जानब से आपका और भाई शमीम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात आए, तशरीफ लाए और इस महफिल को आपने गौरव बख्शी, और आपने जिस अंदाज से और जिस तरह यहाँ पर सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला सिलसिले को जारी जारी रखे, और ख़ास तौर पर अहले बरादरी जो है इससे इशारा कर दिया। शुक्रिया, मैं बेहद मशहूर हूँ जनाब शमीम फिरबो साहब की और यहाँ मौजूद तमाम हजरात की जिन्होंने आज शिरकत करके हमें इज़्ज़त बख्शी। और मैं गुजारिश करना चाहूँगी जनाब इरफान असली परी साहब से कि वो शमीम फिरबो साहब को हमें
थैंक यू वेरी मच। आप सब की बेहद मशहूर हो जो जितने भी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। और इसी नोट के साथ मैं इस सेरेमनी को खत्म शुक्रिया। कुछ अच्छा आपकी फरमाइश के मुताबिक कि भैया ने तलावत के लिए कहा है तो तलावत भी और दुआ भी दोनों चीज़ें कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے یا رب العالمین جو جو کوتاہیاں کی ہیں یا اللہ جان بوجھ کے کی ہیں یا انجانے میں کی ہیں اللہ سب کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو نیک کر دے اور ایک کر دے اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ کی نصیب فرما یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما اور اے اللہ اس ادارے کو بھی پھلنا اور پھولنا نصیب فرما یا اللہ ہماری کاوشیں اس کے لیے ہیں اے اللہ تو اس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا رب العالمین اس کے ہمارے کرنے کو قبول فرما یا اللہ ہماری خدمات کو قبول فرما اے اللہ ہمارے میں سے جو منافقت ہے یا اللہ اس کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو ظاہر و باطن کو ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے اور اللہ ہم سب کا ایک دوسرے کا مددگار بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین